नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर करिश्मा आहूजा है। आज आइए इस वीडियो में मैनिफेस्टेशन को, आप जीवन में जो चाहते हैं उसको लाने के लिए, आपकी हेल्थ हो, आपकी रिलेशनशिप्स की सफलता हो, आपकी वर्दीनेस हो, आप दूसरों से जो रिस्पेक्ट पाते हैं उसकी बात करें, या फाइनेंसेस रिलेटेड, आपकी जॉब या करियर रिलेटेड, पैसों रिलेटेड कोई बात हो, तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम दो लेवल्स पर पा सकते हैं। एक लेवल हो गया कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड पर कॉन्स्टेंटली पॉजिटिव थॉट्स फीड करते जाएं। अब देखिए, ये एक या दो दिन की बात नहीं है, आपके अंदर न जाने कितनी सारी चीज़ें हैं जिसके लिए आपको रोज़ाना, जिस तरह से हम रोज़ खाना खाते हैं, ये तो नहीं सोचते हैं कि आज हमने खाना खा लिया अब कल खाने की ज़रूरत नहीं है। रोज़ खाना खाते हैं, रोज़ पानी पीते हैं, क्योंकि आपको पता है ये आपके बॉडी की रिक्वायरमेंट है। उसी प्रकार से अगर आपको पॉजिटिव होना है, अगर आपको पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहना है, तो उसके लिए आपको रोज़ाना फीड करते जाने होंगे अपने माइंड को पॉजिटिव थॉट्स। दूसरा लेवल हो गया कि आप अपने कॉन्शियस माइंड से, कॉन्शियस लेवल पर कुछ ऐसी चीज़ें करें जिससे आपकी मैनिफेस्टेशन में, आपकी वाइब्रेशन में सुधार हो। तो आइए इस वीडियो में इस बारे में ज़्यादा बात करते हैं। कॉन्शियस लेवल पर अगर बात करें तो आप अपने वर्ड्स पर ध्यान देना शुरू करें। क्या आपके वर्ड्स दूसरों को बेटर फील कराते हैं? क्या लोग आपको देखकर ये सोचते हैं अरे कौन आ गया? क्या वो मुरझा जाते हैं या वो खुश हो जाते हैं आपको देखकर? ये आपको पता लगाएगा कि आप क्या क्वालिटी दे रहे हैं दूसरों को, आपके इंटरैक्शंस में, आपकी बातों में, आपके कॉन्वर्सेशंस में। अगर दूसरे अच्छा नहीं फील कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपनी वाइब्रेशन भी कभी सुधार नहीं सकोगे। क्यों? क्योंकि आप जो देते हैं वो आपको सामने से वापस आएगा। आप इसी प्रकार इस एनर्जी साइकिल में इतने उलझे रहेंगे कि आपकी वाइब्रेशन बढ़ना मुश्किल हो जाएगा, क्लेंज होना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए ये कोशिश करें कि मीठा बोलें, आराम से बोलें। अगर आपको कोई बात है जो दूसरे से अग्री नहीं हो रही है, अच्छे से बोलें। स्वीट सॉफ्ट स्पीच बहुत ज़रूरी है। मीठा बोलें, अच्छा बोलें, आराम से बोलें। अपने पॉइंट रखें ज़रूर, लेकिन इस तरह से रखें कि दूसरे को इंसल्टिंग फील ना हो। दूसरी चीज़ ये है कि आप कोशिश करके दूसरों को इनकरेज करें, मोटिवेट करें। इससे क्या होता है, आप खुद भी मोटिवेशन से कभी दूर नहीं रहेंगे। आप जितना दूसरों को इनकरेज और मोटिवेट करते हैं उतना ही आपकी एनर्जी क्लेंज होती है। ये बात ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। वैसे भी दुनिया में बहुत मिजरी है, बहुत तकलीफें हैं लोगों को, तो इस तरह से लोगों को टोक लगाना कि आप थके हुए हैं, आप अच्छे नहीं लग रहे हैं, आप बीमार लग रहे हैं, आप कमज़ोर हो गए हैं, ये सारी चीज़ें हमें नहीं बोलनी चाहिए। बोलना चाहिए तो वो सिर्फ ये है कि आप अच्छे लग रहे हो, आप बेटर हो रहे हो। इनकरेज कर कीजिए लोगों को। लोगों को इनकरेजमेंट की ज़रूरत है, उनकी सोल को, उनकी स्पिरिट को, उनके बॉडी को इनकरेजमेंट चाहिए, आपके कमेंट्स नहीं चाहिए। इस बात का ध्यान रखेंगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा, आपकी खुद की एनर्जी बढ़ेगी। देखिए, दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान है जो आपको नीचा दिखा रहा है, जो आपको बार बार टोकता है, आपका मजाक उड़ाता है, या आप पर ऐसे कमेंट्स मारता है जिससे आपको पता है आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, आपकी एनर्जी नीचे जा रही है, तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखें कि आपको पूरा अधिकार है, आपकी चॉइस है, आप इस इंसान से थोड़ा दूरी बनाए रखें। क्योंकि आप उतने अच्छे या बुरे हैं जितनी आपकी कंपनी। तो अगर आप उन लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताएंगे, बुरा फील करेंगे, तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी नहीं। आप थोड़ा एफर्ट से बढ़ाएंगे फिर नीचे चली जाएगी। तो आपकी ये चॉइस है, आपको एक माइंड दिया गया है, आपको चॉइस दी गई है। आप उनके साथ समय बिताएं जो आपको अच्छा फील कराते हैं, जो आपको अच्छा नहीं फील कराते हैं, जो जानबूझकर आपकी एनर्जी नीचे गिरा रहे हैं, जो आपको बुरा फील करा रहे हैं, उनसे कम से कम संबंध बनाए रखें। ये आपकी एनर्जी और वाइब्रेशन के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। जिसकी एनर्जी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उसकी वाइब्रेशन क्लीन और प्योर होती जा रही है, मैनिफेस्टेशन अपनी चीज़ की जो उसे चाहिए वो होनी ही होनी है। ये नियम है, ये रूल है, ये लॉ है।
उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया। सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर कीजिए इस वीडियो को। नमस्कार।